कैसी हो सारा तुम? अब्बा ये रस्मी बातें ना आप रहने दें, मुझे बताएं कि क्या सारी जिंदगी ऐसे ही चलेगा? हम हमेशा गाड़ी में इस तरह बैठ के मिलेंगे? 10 साल तो आपने मलेशिया में गुजार दिए, अब जब पाकिस्तान आए तो अलग रह रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा? जब तक यास्मीन मुझे माफ नहीं कर देती तब तक चलेगा। बस बहुत हो गया, अब इस मसले को हल करना चाहिए। यहाँ सबको मसले पाल के रखने का बहुत शौक, लेकिन जब मसाइल को हल करने की बात आती है तो कोई करता नहीं है। और अम्मा, अम्मा का तो बस नहीं चलता कि वो जल्द से जल्द मेरी शादी करवा दें। उनको लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा मसला मेरी शादी है। अरे इसीलिए तो कहता हूँ कि हम सबको एक साथ रहना चाहिए। अब देखो ना, तुम्हारी शादी भी तो करनी है ना। सीरियसली अब्बा? हाँ। मैं आपसे यहाँ क्या बात कर रही हूँ और आपको भी मेरी शादी की पड़ी हुई है? बेटा शादी एक दिन होनी तो है ना। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे करियर बनाना है यार, पैसे कमाने हैं। तो पैसे बेचता तो हूँ ना, अगर कहोगी तो थोड़े और ज्यादा बेच दूंगा, इसमें क्या? लगता है ये आपका कॉस्मेटिक्स का बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा। लगा करम है, अब तो इंटरनेशनल मार्केट में भी हम लॉन्च कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट। हाँ जी, तुम देखना अब। ये ले चाय पिए। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। अरे भाई कोई बिस्किट साथ ले आते, चाय उठा के लेकर आ गए हो, तमीज नहीं है? तो जीरे वाले बिस्किट आते, मैं डुबो के खा लेता। ये चाय भी ना दादी से छुपा कर लेकर आया हूँ, अगर उन्हें पता चल गया ना तो आपके साथ साथ मेरी भी शामत आ जानी है। हाँ बहुत अच्छा किया मैंने, तुमने जाओ शाबाश। अरे बेटा आराम से बात कर लिया करो ना। क्यों? इंसानियत के नाते अच्छा बच्चा है, तुम ऐसे करो ना, तुम इसे भाई की तरह ट्रीट करो। भाई इसको तो बस नहीं चलता हमारा बाप बन जाए, फिजूल में एक मुलाजिम को सर पे चढ़ाया हुआ है। ये ना बहुत चलाक आदमी है, जिस दिन इसका शनाख्ती कार्ड बनकर आ गया ना अब्बा, ये गायब हो जाएगा, बता रही हूँ आपको मैं। नहीं नहीं बेटा, इस घर में पला बड़ा है, यहीं रहेगा और कहाँ जाएगा। ये भी ना अम्मा की गलती है, किसने कहा था कि किसी दोस्त के मुलाजिम के बच्चे को घर लेके आ जाओ, क्योंकि उसके माँ बाप मर गए थे। इतनी हमदर्दी थी तो जाके किसी यतीम खाने में जमा करवा देती। तुम्हारी माँ बहुत रहम दिल है ना। तो मुझे कितनी रहम दिल है, तो आप पे रहम क्यों नहीं आ रहा? बाकी तो सारी दुनिया पे बहुत रहम खाई जा रही है और इस मक्कार जानी पर तो ना कुछ ज्यादा ही रहम।